सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इस संबंध में ईओयू के एडीजी ने बिहार के डीजीपी को पत्र भेजा है। ईओयू ने जाँच में पाया है कि परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष ने लापरवाही के अलावा नियमों एवं मानकों की अनदेखी की। उन्होंने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से सुनियोजित तरीके से एक संगठित गिरोह ने पेपर लीक किया। हालांकि ईओयू ने जांच में पाया है कि एसके सिंघल के खिलाफ आपराधिक गतिविधि से संबंधित साक्ष्य नहीं मिला है। आपको बता दें, बहाली परीक्षा की गोपनीयता, विश्वसनीयता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष की थी। बिहार में 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले इसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस मामले के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था ईओयू की तरफ से। एसआईटी की टीम अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अप्रैल महीने में एसके सिंघल से ईओयू की टीम ने पूछताछ की थी और उनको इसके बाद जो है अलग से भी कुछ सवालों का प्रश्नावली जो है वो भेजा गया था। तो अब एसके सिंघल सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।